हाय गाइस, वेलकम टू सी एस एस इन एडवांस। और इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सी एस एस के अंदर ट्रांजेक्शन क्या है। तो ये टॉपिक नया है और इसका मैंने आपको बेसिक में भी नहीं सिखाया था और डायरेक्ट एडवांस में सिखा रहा हूँ। तो देखो, एडवांस में कुछ टॉपिक नए होने वाले हैं और कुछ पुराना टॉपिक, उसको एडवांस वर्जन हम देखने वाले। तो सी एस एस के अंदर ट्रांजेक्शन क्या है। सी एस एस ट्रांजेक्शन अलाउ टू द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली ओवर ऑल द गिवन ड्यूरेशन। आप इसके अंदर सी एस एस में ड्यूरेशन देखिए, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो उसी तरह से। और ये सारे होते देखो, माउस ओवर एलिमेंट्स बिलो ओ टू द सीनर सी से ट्रांजेक्शन। मतलब जब आप उसके माउस ओवर करेंगे तो उस टाइम सी उसके बिलो उसके नीचे, मतलब उसको प्रॉपर्टी को जो ट्रांजेक्शन दिए वो उसको अलाउ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, नीचे एग्जाम्पल में बताता सी से ट्रांजेक्शन। सीएसएस के अंदर कौन सा ट्रांजेक्शन करना है वो की फ्रेम के मदद से हम करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको की फ्रेम भी बताऊंगा कि की फ्रेम क्या है और उसके मदद से हम किस तरह से ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। उस तरह से उसके अंदर ये ट्रांजेक्शन के अंदर टाइप होते हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6, ये 5 टाइप होते हैं। इसका यूज करके हम ट्रांजेक्शन को देते हैं। मतलब आपको कौन सी वेबसाइट में गए और उस वेबसाइट को जाने के बाद जब आप उसको क्लिक करेंगे तो कुछ ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन आपको पता है ना कि जैसे एनिमेशन होता है कुछ बेसिक, वो हम सीएसएस की मदद से करते हैं। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया। और उसके बाद ट्रांजेक्शन उसमें टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डीले, ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन, ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी और ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन। इस तरह से ये 5 टाइप होते हैं और इसका मदद से हम कुछ बेसिक एनिमेशन और ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये 5 टाइप हो गए बेसिकली। उसके बाद हाउ टू यूज सी एस एस के अंदर, मतलब हाउ टू यूज सी एस एस ट्रांजेक्शन, हम किस तरह से सी एस एस ट्रांजेक्शन यूज करते हैं। देखो, टू क्रिएट अ ट्रांजेक्शन इफेक्ट यू मस्ट स्पेसिफाई द टू टू थिंग्स, अ सी एस एस प्रॉपर्टी यू वॉन्ट टू एड इफेक्ट एंड द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट। मतलब आपको ये बेसिकली सी एस एस के अंदर जो ट्रांजेक्शन देना है, मतलब ये क्लिक करने के बाद इसकी लाइन की लेंथ बढ़नी चाहिए, ये आपने ट्रांजेक्शन दिया। उसके अंदर आपको ड्यूरेशन देना मस्ट है, मतलब आपने उसके अंदर ड्यूरेशन दिया, मतलब 2 सेकंड होना चाहिए। मतलब एनिमेशन का आपने, जब तक एनिमेशन का आप ड्यूरेशन नहीं दोगे तब तक एनिमेशन मूव ही ना होगा। आपने लिखा कि ऑन क्लिक, इसके क्लिक करने के बाद इसका जो लाइन है उसको क्लिक करने के बाद वो लाइन की लेंथ बढ़नी चाहिए, उस तरह से आपका एनिमेशन। एक फॉर एग्जाम्पल, बट उसको आप उसके अंदर आपने ड्यूरेशन ही मेंशन नहीं किया, मतलब 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड इस तरह से आपने किया। जब आप उसको ड्यूरेशन मेंशन करोगे तभी वो एनिमेशन हो पाएगा, नहीं तो एनिमेशन होता नहीं है। इफ ड्यूरेशन पार्ट इज नॉट स्पेसिफाई, ट्रांजेक्शन हैव अ नॉट इफेक्ट। देखो, ड्यूरेशन पार्ट इज नॉट मेंशन देन यू कांट हैव इफेक्ट, मतलब आपका इफेक्ट ही नहीं, रन ही नहीं होगा। आपने जो प्रोग्राम लिखा है वही रन नहीं होगा जब तक आप ड्यूरेशन सेट नहीं करोगे। ओके, ये मस्ट, यू कैन मस्ट रिमेम्बर दैट, जब तक आप उसमें ड्यूरेशन नहीं दोगे तब तक आपका ट्रांजेक्शन रन नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, बिकॉज उसका ड्यूरेशन की वैल्यू कितनी होती है, डिफॉल्ट 0। फॉलोइंग एग्जाम्पल, शेडो शो द 100 पिक्सल इनटू द 100 पिक्सल रेड, 100 बाय 100 रेड। ओके, इन्होंने क्या किया है, बॉक्स किया है, उसको रेड दिया है और उसका ड्यूरेशन लिखा है। ड्यू हैज ऑल्सो स्पेसिफाई द ट्रांजेक्शन इफेक्ट विद प्रॉपर्टी विद द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। बराबर, मतलब उन्होंने क्या किया है, विथ प्रॉपर्टी विद 2 सेकेंड, मतलब इन्होंने क्या, हैज एलिमेंट ऑल्सो स्पेसिफाइड द ट्रांजेक्शन इफेक्ट फॉर अ विथ प्रॉपर्टी विद ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। मतलब इसमें ड्यूरेशन कितना दिया इन्होंने, 2 सेकेंड, ये वन लाइन में ही इन्होंने लिखा है। आप इस तरह से शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी का यूज करके आप वन लाइन में भी लिख सकते हो, या इसके नीचे ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन, जिस तरह से मैंने आपको दिया ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन, इस तरह से लिख के उसमें 2 सेकेंड लिख सकते हो। मतलब ये जो है ना, आप एक के पीछे एक के आगे शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी में लिख सकते हो। इसमें डीले भी है, मतलब डीले मीन्स वॉट की थोड़ी देर के बाद, मतलब अभी क्लिक करने के बाद 2 सेकंड के बाद एनिमेशन रन होना चाहिए, उस तरह से आप कर सकते हो। उस तरह से डीले को वही मीनिंग है। तो ये हो गया, इसके आप ये कर सकते हो। और एक लास्ट में मैंने एग्जाम्पल बताया, और सी एस ए ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी में आपको किस तरह से दे सकता हूँ, ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी विथ, और प्रॉपर्टी क्या है विथ है, ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरेशन क्या है 2 सेकेंड, एंड टाइमिंग फंक्शन क्या है लीनियर, और उसके बाद डिले। इस तरह से करके आप ट्रांजेक्शन एक रन कर सकते हो। मैं आपको अभी इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा, जब मैं की फ्रेम सिखाऊंगा तो उस टाइम मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा की फ्रेम के अंदर। बिकॉज ट्रांजेक्शन मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको इतना समझ में आएगा, मैं की फ्रेम का यूज करके आपको दोनों सिखाऊंगा। आई होप आपको ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा।
नहीं आऊंगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको डीपली समझाने का मैं कोशिश करूंगा। थैंक्स गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।